न्यूज 18 से खास बातचीत में आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने कहा कि लालू यादव की कमी खलती है। इस बीच उन्होंने फिर नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर पर हमला बोला। हमारे साथ मौजूद हैं राबड़ी देवी। मैडम, चुनाव को लेकर क्या तैयारी है? चुनाव को लेकर तैयारी है, पार्टी में भी तैयारी है, बिहार के जनता भी तैयारी किया है कि बीजेपी को भगाना है देश से और नीतीश कुमार को बिहार से भगाना है। मन बना लिया है बिहार के जनता, और बिहार के जनता से हम अपील करना चाहते हैं कि 400 सीट पर आरजेडी या महागठबंधन के जिताने के काम करेंगे लोग, मेरा अपील है। पहली बार ऐसा हो रहा है जब लालू यादव जेल में है और चुनाव हो रहा है, क्या उनकी कमी खलती है? कमी तो घर के लोग के खलती है, बिहार के जनता के खलती है, कमी तो है। उनका बिना चुनाव नहीं लग रहा कि चुनाव हो रहा है, देश में कोई नेता नहीं है। लालू बिना देश और बिहार सुना है। प्रशांत किशोर को कहा ये जा रहा है कि वो कई बार ऑफर लेकर आए थे, क्या ऑफर लेकर आए थे और फिर आपने क्या आगे कदम उठाया? ऑफर लेके आए थे, मिले थे, बैठे थे, वही समझा रहे थे, जब आए तब समझा रहे थे कि पार्टी को मर्जर कर दीजिए और 2020 में जो चुनाव होने वाला है ना, तो तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा और तब तक हम ठीक है प्रधानमंत्री के घोषणा आप कर दीजिए कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे, घोषणा कर दीजिए कि बिहार के प्रधानमंत्री वही रहेंगे नीतीश कुमार, यही बात हुआ और कुछ बात नहीं। तो आपने रोक लगा दिया उस पर? हम रोक लगा दिए। क्या बोली थी? सामने थे तब रोक लगा दिए, कहे कि नहीं एक बार पलट गए तब दूसरा इधर पलटने की जरूरत नहीं है। आप चुनाव क्यों नहीं लड़ रही हैं? चुनाव तबीयत खराब चल रहा है इसीलिए नहीं लड़ रहे हैं। हमारा जब इच्छा करेगा तो हम अपने लड़ लेंगे, हमको लोग निहोरा करता है चुनाव लड़ने के लिए, बाकी हम पीछे भागते हैं। बिहार के जनता पर छोड़ दिए हैं, बिहार के जनता 400 सीट पर जिताएगा लालू जी के नाम लेकर। कमी है बिहार के जनता को लालू बिना, कमी है लोगों को, कमी खलती है घर के लोग के भी खलती है। आप सारण जा रही हैं चुनाव प्रचार के लिए जबकि तेज प्रताप ये चाहते थे कि आप चुनाव लड़ें? तब वहाँ नॉमिनेशन भी नहीं हुआ है, जाएंगे। तेज प्रताप भी आपसे नाराज चल रहे हैं, कैसे मनाएंगे उन्हें? हमसे नाराज नहीं है, वो नाराज कोई से नहीं, हमसे रोज बात करता है। तेज प्रताप को क्या कहना चाहेंगी, घर नहीं आ रहे हैं? वो आ जाएगा घर, बोला कि मम्मी आ जाएंगे, बात करता है रोज बात करता, अपने भी लगा लेता है। आगे आप कहाँ कहाँ चुनाव प्रचार में जाने की तैयारी है, कैसे चुनाव प्रचार के लिए आप तैयार किए हैं? तारीख को हम नवादा गए थे, तबीयत हमारी ज़्यादा ख़राब हो गया था तो इसीलिए बन हम चुनाव बांका भी जाना था और कहाँ कहाँ जाना था, प्रोग्राम लगल था, सब कैंसिल कराए कि तबीयत खराब चल रहा है। लालू जी से बात होती है इस बीच में? थोड़ा और नज़दीक आता है तो चुनाव तो निकलेंगे। आप कहती हैं कि लालू जी गठबंधन टूटने से बचा दिए, महागठबंधन जो हो रहा था उसमें बीच में कई बार सीटों के समझौता को लेकर सवाल खड़े हुए। विरोधी जो है उनको भरम है, विरोधी लोग का भरम है कि लालू जी बचा लिए, गठबंधन कोई बुर्वक नहीं है, हम लोग चार पार्टी मिल के लड़ रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, माझी जी हैं और VIP पार्टी है, हम हैं, कांग्रेस है, सब पांचों पार्टी मिल के हम लोग बताए विचार किए थे कि एक साथ लड़े हम लोग, लालू जी का करेंगे, लालू जी तो बाहर हैं खुद अंदर हैं तो क्या करेंगे। तमाम लोग मिलने के लिए आपसे आते हैं तो क्या बातें होती हैं, क्या लोग कहते हैं, क्योंकि लालू जी तो हैं नहीं? चुनाव के बारे में बात होता है, हम लोग चुनाव के दिन हम लोग फ़ोन करते हैं हर जगह, अपना वर्कर के फ़ोन करते हैं, चार जगह हुआ हम बैठ कर यहीं फ़ोन किए सबको, जो अपना मुखिया लोग हैं, जिला पार्षद है, वो सब लोग से बात हुआ, जो इलाका के विधायक अपना है वो सब से बात हुआ। तेज प्रताप को घर पे बुलाएंगी, मनाएंगी उनको? कितना बार पूछिएगा, हो गया नहीं, क्या कहना चाहेंगी तेज प्रताप को घर बुलाने के लिए? बोल दी। तो ये थी राबड़ी देवी जो साफ तौर पर यह कह रही हैं कि लगातार चुनाव प्रचार में वो लोगों से बात कर रही हैं चुनाव प्रचार को लेकर, और बिहार में महागठबंधन पूरी मजबूती के साथ एक साथ खड़ी है और वो सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी। कैमरामैन असोनी के साथ चंद्रमोहन कुमार, पटना, न्यूज़ 18 इंडिया।